तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सिर्फ एक महीने में, सिर्फ 28 दिन में मेरे 1000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ सारे चीज़ें इंक्रीमेंट हो रही हैं, ये ग्रीन सिग्नल आपको सारे में दिख रहा होगा, ये चीज़ें इंक्रीमेंट की है, पूरा चैनल का हर चीज़ मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों, सिर्फ एक ट्रिक को आजमा के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेरे को यूट्यूब बेटा की तरफ से भी एक मैसेज आया है कि प्लेलिस्ट हेल्प ड्राइव 157 मोर व्यूज़ ऑन योर चैनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको फुल एनालिटिक्स दिखाऊंगा दोस्तों। आप मेरे मोनेटाइजेशन पेज पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक को आजमा के इतने सारे घंटे का वॉच टाइम पूरा किया है दोस्तों। और अभी थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी पूरा हो जाएगा 1 से 2 दिनों में। अब बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे गाइस कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, 50-60 मैंने अपलोड करे होंगे वीडियो, पर मैं उनको बता दूं कि मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 18 वीडियोज़ हैं। इन्हीं 18 वीडियो से मैंने इतने सारे वॉच टाइम को कंप्लीट किया है और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ एक ट्रिक को आजमा के। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको मैं वो ट्रिक समझा पाऊँ अच्छे से, ताकि आप भी परफॉर्म कर पाओ और आपको रियल टाइम चेंजेस दिखे अपने चैनल पर। इसकी पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है दोस्तों हमदान WMS को, थैंक्स फॉर द कमेंट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों और प्यार बरसाते रहिए ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाएं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस पर मैं यूट्यूब टिप्स के साथ ही साथ मनी अर्निंग की टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहता हूँ। ये सारे मेरे जितने भी वीडियोज़ आपको दिख देंगे सारे मनी अर्निंग से रिलेटेड हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने यूट्यूब को ओपन करके क्रिएटर स्टूडियो में आ गया हूँ। मैं डायरेक्ट मैंने यहाँ पे दे रखा था, तो अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर नहीं ओपन होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद सीधे आपको कंटेंट में आना है और आपको सारे जितने भी आपको आपके वीडियोज़ हैं वो सारे पब्लिक होने चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरे सारे वीडियोज़ पब्लिक हैं, ठीक है। आपको ये यहाँ चेक करने के बाद सीधे आपको प्लेलिस्ट पे आ जाना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। और यहाँ प्लेलिस्ट पे आपको न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है जिससे मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पे एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नाम से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आपको सीधे अब यहाँ पे आपको अपने चैनल वाले लोगों पे क्लिक करके अपने चैनल पे विजिट कर लेना। चैनल के सेक्शन पे आते ही दोस्तों आपको वीडियोस के सेक्शन में आना है और उसके बाद आपके सामने ये सारे वीडियोस शो होंगे आपने जितने भी अपलोड कर रखे हैं, तो उन सबको उस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सेव टू प्लेलिस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और न्यू वाले में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडेड न्यू लिख दिया, ठीक है, न्यू में ऐड हो गया। ऐसे ही आपको वन बाई वन सब वीडियो सारी वीडियोज़ को ऐड कर लेना है। मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे मैं रैंडम आपको दिखा देता हूँ एक आध करके, ताकि आप परफॉर्म कर पाओ आसानी से, ठीक है। कि जितने सारे वीडियोस आपने अपलोड करे हैं, आप शॉर्ट्स छोड़ सकते हो, शॉर्ट्स को नहीं लेना, नहीं तो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये प्लेलिस्ट अपने वॉच आवर के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो आप सिंपली अब लॉन्ग लेंथ की वीडियोज इसमें ले सकते हो, आपको ज़्यादा फायदा करेगा, वॉच टाइम जल्दी आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मैं जितने भी हैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाता हूँ, ये सारे मेरे ऐड हो रहे हैं दोस्तों आपके सामने। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे सारे ऐड हो गए हैं। अब मैं सिंपली फिर से अपने चैनल के लोगों पर क्लिक करके YouTube स्टूडियो में आ जाता हूँ। YouTube स्टूडियो में जाने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जिस जो आपने क्रिएट करा था, यहाँ पे देखिए दोस्तों वीडियोज काउंट यहाँ पे 6 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अगर आपको देखना हो तो आप सिंपली आपको ये प्लेलिस्ट खोल लेना है यहाँ पे और ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है। सिंपली आप इसको नोटपैड वगैरह कहीं पे भी आप जहाँ रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हैं। आप देखिए, मेरा पहले से भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा प्लेलिस्ट का URL है और यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो प्लेलिस्ट है आपका पब्लिक पे होना चाहिए, तभी ये ट्रिक परफॉर्म कर पाएंगे आप दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, पब्लिक पे है, मैंने ये लिंक कॉपी कर ली। ट्रिक परफॉर्म करने से पहले दोस्तों आपको एक स्टेप ज़रूर लेना है, आपको सेटिंग में जाना है क्रोम के, आप फ़ोन में भी आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये आपको हर बार करना होगा ट्रिक परफॉर्म करने से पहले दोस्तों, याद रहे। यहाँ पे लास्ट आवर लगा हुआ है, ठीक है, मैं क्लियर डेटा कर लेता हूँ ताकि हमारे लास्ट आवर का कोई भी कैच या कुकीज़ अवेलेबल ना रहे, ताकि डिटेक्ट ना हो पाए। ये आपको ज़रूर करना है दोस्तों जब भी आप ट्रिक परफॉर्म करें उससे पहले।
अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है। अब मैं इनकॉग्निटो मोड में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में स्क्रीन रिकॉर्डर भी काम नहीं करता है, तो इसीलिए मैं गेस्ट मोड में आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। आपको हमेशा इनकॉग्निटो मोड में ही ये परफॉर्म करना है दोस्तों। तो आपको सिंपली ये लिंक पेस्ट कर देना है और एंटर करना है, तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपली ये प्ले ऑल पे क्लिक करना है। ये वीडियो मेरा प्ले हो रहा है दोस्तों, इसका वॉल्यूम मैं म्यूट कर देता हूँ। आपको सिंपली ये स्टेप फॉलो करना है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने प्ले कर दिया, यहाँ पे क्वालिटी भी कम कर दी, सबसे लो क्वालिटी। अब यहाँ पे आपको ये डुप्लीकेट करते जाना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, दो हो गया, तीन कर दिया मैंने, चार कर दिया, पाँच कर दिया, छः कर दिया, सात कर दिया। आप अपने नेट के हिसाब से, नेट के कनेक्शन स्पीड के हिसाब से आप रख सकते हैं जितना भी आपको रखना हो, ठीक है। आप जितना भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इतने सारे डुप्लीकेट्स कर देता हूँ, इतने सारे मैंने डुप्लीकेट्स कर दिए, मेरे वीडियो सब में प्ले होंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्ले हो रहा है, इधर भी प्ले होगा। एक एक बार आपको सबको खोल लेना है। ये देखिए दोस्तों, सारा प्ले हो रहा है मेरे एक साथ। यहाँ पे आपका वॉच टाइम कैलकुलेट होता रहेगा दोस्तों। ये जितने भी आपने टैब्स खोल रखे हैं, सारे के वॉच टाइम एक घंटे में, अगर आप ये मान लो कि अगर 20 टैब्स भी खोलते हो, तो अगर आप 20 टैब्स खोलते हो और 20 में आपके वीडियो चल रहे हैं, वन बाई वन सारे वीडियोज प्ले होंगे दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक घंटा इस ट्रिक को परफॉर्म करना है दोस्तों। एक घंटे के बाद सिर्फ आप एक घंटे का गैप देके फिर से एक घंटा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको एक घंटे का गैप जरूर रखना है सिर्फ एक घंटे के टाइम लिमिट में, ठीक है। तो आपको एक घंटे का परफॉर्म करना है ये ट्रिक, उसके बाद इसको स्टॉप कर देना है दोस्तों। अब एक दो घंटे का गैप देके फिर ये ट्रिक आजमा सकते हो, ठीक है। तो आप जितने सारे टैब्स खोल रखोगे उतने ज़्यादा आपको वॉच आवर काउंट होंगे। जैसे कि मैंने 20 टैब अगर खोल रखे हैं, तो एक घंटे में आपके 20 आवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आप इस ट्रिक को दिन भर में अगर 3 बार भी परफॉर्म करते हो, तो अगर 20 टैब्स के हिसाब से तो देखा जाए तो 60 घंटे आपके पर डे कम्प्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो आज की, तो एक लाइक ज़रूर दे दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और अगर आप बिगिनर है गाइस और आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहाँ से उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।